वेरिएबल मास सिस्टम। आज हम लोग वेरिएबल मास सिस्टम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अभी तक न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन था उसके बारे में जो जानकारी हमें प्राप्त थी कि जो मास है वो वेरी नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग वेरिएबल मास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, इन मैकेनिक्स ए वेरिएबल मास सिस्टम इज ए कलेक्शन ऑफ मैटर हुज मास वेरीज विद टाइम। इट कैन बी कंफ्यूजिंग टू ट्राई द अप्लाई न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन डायरेक्टली टू सच सिस्टम। इंस्टीड ऑफ टाइम डिपेंडेंस ऑफ मास एम कैन बी कैलकुलेटेड बाय रीअरेंजिंग द न्यूटन सेकेंड लॉ एंड एडिंग एडिशनल टर्म टू अकाउंट फॉर द momentum carried out mass entering or leaving the system. That means mass वहाँ increase करेगा या decrease करेगा जो mass वहाँ पे, इसलिए यहाँ पे mass जो है वो vary कर रहा है with respect to time. मतलब with respect to time mass enter करने के बाद gradually increase कर रहा है और कुछ instant of time के बाद mass जो है वहाँ से leave कर जा रहा है, इसलिए किसी भी instant of time में mass वहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, वेरी कर रहा है। उस केस में न्यूटन्स का जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम या फिर एफ इज इक्वल टू एम डीवी बाय डीटी, ये एप्लीकेबल नहीं होता है। उस सिस्टम के लिए हम लोग जनरल इक्वेशन यूज करते हैं, एफ एक्सटर्नल प्लस वी रिलेटिव डीएम बाय डीटी इज इक्वल टू एम डीवी बाय डीटी, जहां पे अगर न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन रहता और कांस्टेंट मास ऑफ सिस्टम रहता तो उस केस में हम लोग यूज़ करते एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी। लेकिन यहाँ पर एक एडिशनल टर्म है वी रिलेटिव डी एम बाई डी टी। एफ एक्सटर्नल यहाँ पे नेट एक्सटर्नल फोर्स है जो बॉडी पे एक्ट कर रहा है, वी रिलेटिव रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एस्केपिंग और इनकमिंग मास विद द रिस्पेक्ट टू द सेंटर मास ऑफ द बॉडी है, और वी है वेलोसिटी ऑफ बॉडी। अब ये डेरिवेशन कैसे आया इसका हम लोग यहाँ पे डेरिवेशन करेंगे। तो देर आर डिफरेंट डेरिवेशन फॉर द वेरिएबल मास सिस्टम मोशन डिपेंडिंग ऑन वेदर द मास इज इंटरिंग और लीविंग द सिस्टम। मतलब दो यहाँ पे केस है, एक केस है जब मास इंटर हो रहा है, मास इंटर होने पर ऑब्वियसली इसका वैल्यू जो है वो इंक्रीज करेगा, और एक लीव कर रहा है इसका मतलब मास जो है वहाँ डिक्रीज करेगा। टू सिंप्लीफाई द कैलकुलेशन ऑल बॉडीज आर कंसिडर्ड एज पार्टिकल्स। इट इज ऑल्सो एज्यूम दैट मास इज अनेबल टू अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी आउटसाइड द एक्रिएशन। एक्रिएशन मतलब ग्रेजुअली कोई भी चीज़ जो बढ़ता है या उसका वैल्यू इंक्रीज करता है उसको एक्रिएशन कहते हैं, या फिर एबलेशन इवेंट्स। एबलेशन मतलब ग्रेजुअली जिसका वैल्यू घटता है। तो हम लोग पहला केस ले रहे हैं मास एक्यूलेशन। तो पहला केस है जैसा कि यहाँ फिगर ड्रॉ किया हुआ है, ए मास है, स्मॉल मास है डीएम, यू वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और एक बड़ा मास है जो एम है जो वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। दोनों का कंबाइन है, जब कंबाइन दोनों कर जाएंगे दोनों, क्योंकि ये स्मॉल मास जो है इंक्रीज करेगा इसके मास को, तो एम प्लस डी एम हो जाएगा और वी भी इसका वी प्लस डी वी हो जाएगा, यहाँ पे इसको वी मानना है। सो ए मास डी एम विथ रिलेटिव वेलोसिटी यू इज अबाउट टू कोलाइड विद द मेन बॉडी ऑफ द मास एंड वेलोसिटी वी। आफ्टर अ टाइम इंटरवल डी टी द इंस्टेंट टू बोथ पार्टिकल्स मूव विद ऑन द वेलोसिटी वी प्लस डी वी। तब हम लोग इसके इक्वेशन को कैलकुलेट करेंगे। द फॉलोइंग डेरिवेशन इज फॉर अ बॉडी इज गेनिंग द मास। जब मास हमारा एक्यूलेशन हो रहा है, इंक्रीज ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है, द बॉडी ऑफ टाइम बेरिंग मास मूव्स विद वेलोसिटी वी एट ए इंस्टेंट ऑफ टाइम टी। इन द सेम इंस्टेंट द पार्टिकल ऑफ मास डीएम मूव विद द वेलोसिटी यू एंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मोमेंटम कैन बी रिटन एज पी वन इज इक्वल टू एम डी वी प्लस यू डी एम। ठीक है, यहाँ पे पहले जो मैंने बताया था कि यहाँ पे ये वी होगा, ये यू ही होगा। ठीक है, इसको करेक्शन कर लेना है। तो मोमेंटम हो जाएगा पी वन
जो शुरुआत में है वो मास इंटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम, तो हो जाएगा एम इंटू वी, एम इंटू वी इसका, और फिर इसका तो डी यू इंटू डी एम, इसका वेलोसिटी और इसका मास, तो टोटल सिस्टम बॉडी का टोटल मोमेंटम हो जाएगा पी वन इज इक्वल टू एम डी वी प्लस यू डी एम। अब कुछ समय के बाद मतलब टी प्लस डी टी टाइम के बाद दोनों बॉडी अटैच हो जाते हैं, दोनों का मास हो जाता है एम प्लस डी एम और वेलोसिटी हो जाता है वी प्लस डी वी, तो उस केस में मोमेंटम हो जाएगा पी टू इज इक्वल टू टोटल मास इंटू टोटल वेलोसिटी, सो एम प्लस डी एम वी प्लस डी वी। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एम पहले इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा फिर डी एम इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, सो इक्वेशन कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे जो लास्ट टर्म हम लोग देख रहे हैं डी एम एक स्मॉल अमाउंट ऑफ मास है, डी वी ये भी स्मॉल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी है, दोनों का प्रोडक्ट दो स्मॉल क्वांटिटी का प्रोडक्ट और भी काफ़ी स्मॉल होगा, सिंस डी एम डी वी इज ए प्रोडक्ट ऑफ टू स्मॉल वैल्यूज इट कैन बी इग्नोर्ड, मीनिंग ड्यूरिंग द डी टी मोमेंटम ऑफ द सिस्टम वेरीज। सो इस केस में हम लोग जब दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे मोमेंटम का, सो डी पी इज इक्वल टू हो जाएगा पी टू माइनस पी वन, फाइनल मोमेंटम से इनिशियल मोमेंटम को माइनस कर देंगे, तो वैल्यू पुट करेंगे जो डी पी का वैल्यू था और फिर पी वन का जो वैल्यू था, तो जब माइनस के साइन हटाएंगे तो एम वी का टर्म यहाँ पे और माइनस एम वी का टर्म ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो रह जाएगा एम डी वी वी डी एम माइनस यू डी एम। अब न्यूटन्स का सेकेंड लॉ कहता है कि एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, तो हम लोग रेट ऑफ मोमेंटम जो है डी पी का वैल्यू ये कैलकुलेट किए हैं, इसके ऊपर में हम लोग पुट कर देंगे, इस दोनों में डी एम डी एम का टर्म है तो डी एम कॉमन लेंगे और माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा यू माइनस डी वी जो यहाँ भी यहाँ पे आया। अब इसको डी टी के रिस्पेक्ट में इसको अलग अलग कर लेंगे, तो पहला टर्म एम डी वी बाई डी टी माइनस यू माइनस वी डी एम बाई डी टी, यहाँ नोट कर रहे हैं कि वी माइनस यू इज ए वेलोसिटी ऑफ डी एम रिलेटिव टू एम, इसको हम लोग सिंबल कर रहे हैं किस सिंबल से, वी रिलेटिव से, मतलब ये यू जो था पहले किसका वेलोसिटी था, स्मॉल मास जो था डी एम का, और वी किसका वेलोसिटी था कैपिटल मास का, तो दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी को मतलब दोनों का डिफरेंस है ये, इसलिए इसको हम लोग वी आर ई एल, आर ई एल मतलब रिलेटिव के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं, तो वी रिलेटिव हो गया डी एम बाई डी टी। ये नेगेटिव साइन जब इधर आएगा तो एफ एक्सटर्नल प्लस वी रिलेटिव डी एम बाई डी टी इज इक्वल टू ये टर्म रह जाएगा एम डी वी बाई डी टी। ये हो गया पहला केस जिसके लिए हम लोग इक्वेशन हम लोग डिराइव कर लिए, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यहाँ पे क्या हो गया मॉडिफाइड हो गया, यहाँ एक ये एडिशनल टर्म आया, ये हो गया मास इंक्रीज के लिए एबिलिएशन जो हम लोग पढ़े थे। अब मास एबिलिएशन मतलब जो मास घटता है उस केस में हमारा क्या होगा, तो मान लेते हैं इन ए सिस्टम वेयर मास इज बीइंग इजेक्टेड और एबिलेटेड फ्रॉम ए मेन बॉडी द डेरिवेशन इज स्लाइटली डिफरेंट, एट दिस टाइम लेट एम इज ट्रेवल एट ए वेलोसिटी वी मीनिंग द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज पी वन इज इक्वल टू एम वी, सिंस मेन बॉडी विल लूजिंग मास, इस केस में मास लूज कर रहा है, डी एम विल बी नेगेटिव मीनिंग दैट एट टी प्लस डी टी द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिकम्स, शुरू में ये मास था एम वी वेलोसिटी से मूव कर रहा था लेकिन अब ये क्या हो गया, इसका वैल्यू एम प्लस डी एम हो गया, वेलोसिटी वी प्लस डी वी हो गया, और जो सेकेंड वाला था उसका वेलोसिटी घट गया, वेलोसिटी नहीं मास घट गया, और मास घटने के चलते यहाँ पे हम लोग डी एम यूज किया, यहाँ पे माइनस डी एम का टर्म यूज किया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे कुछ ऐसा ये टर्म आएगा वेयर यू इज द वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड मास, फिर दोनों का डिफरेंस हम लोग लेंगे, सो डी पी इज इक्वल टू हो जाएगा पी टू माइनस पी वन, ये टर्म फिर वही सेम टू सेम आया, इसको फिर हम लोग इसी इक्वेशन में पुट कर देंगे जैसे हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हम लोग पुट किए थे, फिर यही एक्सप्रेशन हमारा यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से वेरिएबल मास सिस्टम के लिए हमारा जो फाइनल एक्सप्रेशन है वो चेंज कर जाता है, और चेंज करने के बाद ये टर्म आता है एफ एक्सटर्नल प्लस वी रिलेटिव
dm by dt is equal to mdv by dt। इस तरह से हमको लगता है कि आप लोग सब समझ गए होंगे कि वेरिएबल मास सिस्टम का क्या यूज़ है हमारे